क्लास टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ कह रहा है कि मैंने एक डाई थ्रो करा इस रेक्टेंगुलर रीजन में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई सर्कल के अंदर भी होगा। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे केस में एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, डायमीटर कितना गिवन है हमें? 1 मीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2 मीटर। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? पाई इंटू 1/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इस रेक्टेंगल का एरिया पूछता हूँ आपसे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स एल एंड बी इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 एंड 3 क्या बनेगा हमारे लिए इस केस में? 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि डाई सर्कल के अंदर आना चाहिए। नाउ एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब इस हमारे इस वाले केस में सर्कल के अंदर डाई लाई करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इन द सर्कल, तो ये क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने निकाला, क्या बना था? पाई 1/4 और टोटल एरिया क्या था? 6। तो हमारे पास क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी? पाई बाय 24। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगी? 0.13 के इक्वल आ जाएगी। यही हमें निकालना था।